तो आप लोग अभी पहुंचे हैं क्या? कुछ अंदर से कहा गया है आप लोग को? अभी कोई प्रतिक्रिया खेसारी लाल यादव की तरफ से दिखाई दिया है? नहीं नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सर मुझसे मिलेंगे और आयांश को देखेंगे। मैं सर टाइम वेस्ट बिना किए मैं सोची कि अगर सर हमारे पास अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं आ पा रहे हैं तो मैं ही चली जाती हूँ आयांश को लेकर, क्योंकि सर आयांश के लिए हर मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है सर। ये हमेशा मतलब हर एक कदम ये पीछे जा रहा है सर। अभी लगभग रात का 8:30 बजने वाला है, 9 बजने वाला है और हम लोग यहाँ मैम अब जो कि 9:10 हो रहा है, क्या लगता है कि अगर खेसारी लाल यादव जी आगे आएंगे तो ये मुहिम तेज हो जाएगा? बिल्कुल सर, खेसारी लाल जी पूरे बिहार के सुपर हीरो हैं सर। अगर वो अगर हमारे साथ हो जाएंगे तो सर सब बिहारी हमारे साथ हैं, भारत के लोग हमारे साथ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कि आयांश का जो कि माँ है एक उम्मीद के साथ जो कि खेसारी लाल यादव के पास पहुँची हुई है कि वो आगे आयांश को लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आयांश को बचाने के लिए 16 करोड़ का बजट चाहिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेसारी लाल यादव का ठीक है चल रहा है और यहाँ पर आयांश की जो माँ है वो पहुँची हुई है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आयांश भी है साथ में और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। सर मैं उनसे बस यही बोलूंगी कि सर आप अपील कर दीजिए, आप बच्चे को गोदी में लेके बस अपील कर दीजिए, मेरे लिए वही सर सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि सर हमारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबको पता है इसके फादर के बारे में, मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ, मेरा बच्चा और मेरी बेटी है और कोई मेरे साथ नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ हैं। इससे पहले भी मैम आपके पास खेसारी लाल की जो टीम थी वो पहुंची हुई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि खेसारी लाल यादव आपके पास आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए, जिसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे हुए। बिल्कुल सर, उन लोगों ने कहा कि उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है तो वो 2-4 दिनों में आपके घर आएंगे, तो मैंने सोचा सर मुझे पता चला कि ये पहुँचे हैं, मैं सोची उनका शेड्यूल बिजी है, मेरा तो शेड्यूल बिजी नहीं है, इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर मिलाने आई हूँ सर। देखिए किस तरीके से जिस तरह से मुहिम आप चला रहे हैं, चले भाभी लोग अफवाहें फैला रहे हैं, देखिए अभी जा रही है। नहीं सर, लेकिन इसीलिए मैं सर से मिलने आई हूँ, अगर सर अगर मेरे साथ हैं तो फिर मेरे साथ सबको ही रहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, अभी अंदर से एक गाड़ी निकल रही है, इसमें देखा जाए कि आखिर कौन है और क्या कुछ प्रतिक्रिया हो रही है। जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी एक बाहर की ओर निकल रही है। भैया लाइव तस्वीर आप दिखाइए यहाँ पे, देखते हैं कौन यहाँ पे निकल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा, आगे कैमरा मैन से कहूँगा कि आगे की ओर बढ़ते रहिए, और खेसारी जी नहीं है तो मिलने तो दीजिए, कौन है देखना तो चाहते हैं, देखते हैं आखिर कौन है इसके अंदर। खेसारी जी नहीं है तो आखिर इसके अंदर कौन है, मैं देख फोकस करने का कोशिश करूँगा। दबिया दबिया आप लोग, मैं खेसारी जी नहीं।